बहुत सारे लोग अपने बिजनेस का मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग करने बावजूद भी वो बिजनेस के अंदर अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाते, ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले उसका जो मार्केटिंग करने का तरीका है वही गलत होता है। मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, किस तरफ से करना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में उसको नहीं पता। इसीलिए आप बिजनेस के अंदर सिर्फ मार्केटिंग करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मार्केटिंग करने का तरीका भी सही होना चाहिए। जब तक आप सही तरीके से आप अपने बिजनेस का मार्केटिंग नहीं करते हो, तब तक आप कितना खर्चा करते हो मार्केटिंग के अंदर, फिर भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर मार्केटिंग फनल के 5 ऐसी बातें मैं बताने वाला हूँ। ये 5 बातों को अच्छी तरह से फॉलो करके आप अपने बिजनेस के बारे में मार्केटिंग करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इसीलिए आप एक बिजनेस ओनर हो और आप अपने बिजनेस का अच्छी तरह से मार्केटिंग करना चाहते हो, मार्केटिंग की पूरी फनल के बारे में जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं ऋत्विक रेवड़िया, को फाउंडर ऑफ ओशियन एमटेक कंपनी एंड बिजनेस कोच, आप सभी लोगों का पूरे दिल से स्वागत करता हूँ। तो मार्केटिंग फनल की 5 बातों को 1 by 1 करके हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहली बात है, कितने लोग आपके बारे में जानते हैं, यानी आपने अच्छी प्रोडक्ट बना दी, आपने अच्छी सर्विस दी, आप सभी लोगों को दे रहे हो, लेकिन लोगों को आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को कभी बेच ही नहीं पाओगे। आप जो भी मार्केटिंग करते हो उससे कुछ आपको अच्छा रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों के बीच में आपको अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए। आप जितनी ज़्यादा लोगों के बीच में अवेयरनेस स्प्रेड करोगे उतना ही आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों को पता चलेगा। अभी तक लोगों को आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पता क्यों नहीं चला, क्योंकि अभी तक आप जो भी मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हो वो बहुत ही वीक है। इसीलिए सबसे पहले आप जब भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में आप किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी प्रकार का मार्केटिंग करते हो, तो सबसे पहले उस कैंपेन को आपको रिव्यू करना चाहिए कि अभी जो मैं इस प्रकार का कैंपेन चला रहा हूँ उससे मुझे रिस्पॉन्स कितना आ रहा है। क्योंकि आपको लगता है कि मैं मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता, आप गलत मार्केटिंग कर रहे हो। आप जिस प्रकार का मार्केटिंग कर रहे हो उसी वजह से आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों को कुछ अवेयरनेस नहीं मिल रही है, तो मार्केटिंग आपको बंद कर देना चाहिए। इसीलिए आपको सबसे पहले याद रखना है कि आपको मार्केटिंग ऐसा करना चाहिए, आपका जो कैंपेन है वो ऐसा होना चाहिए लोगों को आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा और इजीली उसको समझ में आ जाए। दूसरा स्टेप है, कितने लोग आपके बिजनेस को ब्रांड मानते हैं। पहले स्टेप में आपने किया कि आपका जो मार्केटिंग का कैंपेन है उसको रिव्यू करके सही कर दिया, उसके बाद उसी कैंपेन को बार बार आपको लोगों को दिखाना है। क्योंकि कोई भी लोग है आपकी बिजनेस की एड एक बार दिखते हैं तो वो आपके बिजनेस को ब्रांड नहीं समझते, लेकिन आपके माइंड में भी किसी भी कंपनी को ब्रांड मानते हो, कब मानते हो, जब आप उसी कंपनी की एड को बार बार दिखते हो। इसीलिए सबसे पहले आपके मार्केटिंग कैंपेन को सही करना है, उसके बाद उसी कैंपेन को एक ही व्यक्ति को बार बार दिखाना है। क्योंकि जब आपकी प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में लोग बार बार दिखेंगे तब जाके उसके माइंड के अंदर आपका जो बिजनेस है वो एक ब्रांड की इमेज क्रिएट कर पाएगा। अब बात करते थे स्टेप नंबर 3 की। पहले 2 स्टेप के अंदर हमने अवेयरनेस और ब्रांड के बारे में बात की थी। अब स्टेप नंबर 3 के अंदर कितने लोग आपकी प्रोडक्ट को मांगते हैं, कितने लोग आपकी प्रोडक्ट के प्रति इंक्वायरी करते हैं, कितने लोग आपकी प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको 10 लाख लोग जानते हैं, 5 लाख लोग आपकी प्रोडक्ट को ब्रांड मानते हैं, लेकिन सिर्फ 5-10 हज़ार लोग आपकी प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं, आपकी प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं, मतलब आपकी प्रोडक्ट अभी लोग बहुत कम लोग परचेस करते हैं। इसीलिए आपको लोगों को रीटारगेट करना चाहिए, उसके बाद आपको कंटेंट मार्केटिंग चालू कर देना चाहिए, आपकी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना चाहिए। क्योंकि रीटारगेटिंग करने से क्या होता है, आप लोगों को बार बार अपनी एड दिखाते हो, लोगों को एक ही पर्सन को बार बार टारगेट करते हो। जो लोग आपकी प्रोडक्ट को ब्रांड मानते हैं उसको बार बार आप अपने कंटेंट के थ्रू कनेक्ट करते हो, तब जाके वो लोग आपकी प्रोडक्ट या सर्विस है उसको परचेस करना पसंद करते हैं। चौथी चीज़ है, कितने लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीदते हैं। आपकी प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, आपकी प्रोडक्ट को ब्रांड मानते हैं, खरीदना भी चाहते हैं, लेकिन बहुत ही कम कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, आपकी टीम वीक होती है। क्योंकि आपकी टीम को आपकी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होता, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट अच्छी होने के बावजूद भी बहुत कम सेल्स होता है। इसीलिए सबसे पहले आपकी टीम को ट्रेन करो, उसके बाद जब भी कोई कस्टमर आए अच्छी तरह से आपकी टीम उसको गाइड करेगी, प्रोडक्ट के बारे में बताएगी, तो आपका जो सेल्स है उसको आप कई गुना बढ़ा सकते हो। उसके अलावा आपका शोरूम नहीं होता, आपकी कोई दुकान नहीं होती, आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, यानी आपकी प्रेजेंस भी कम होती है, तो भी आपकी जो प्रोडक्ट अच्छी होने के बावजूद बहुत ही कम लोग खरीदते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, सर्विस अच्छी है, तो आपको मैक्सिमम जगह पे आपकी प्रेजेंस ही होनी चाहिए। पांचवीं और सबसे आखिरी चीज़ है, कितने लोग आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में दूसरे लोगों को बताते हैं। आपकी प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा लोग खरीदते हैं, आपकी प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, आपको ब्रांड भी मानते हैं, लेकिन आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करने के बाद वो दूसरे कितने लोगों को बताते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट में दम होगा, आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी,
तो दूसरे लोगों को बताते हैं, वो कैसे डिसाइड होता है कि मान लो कोई कस्टमर 100 कस्टमर है जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेस किया है, अब वो 80 लोग हैं जो आपकी प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को बताते हैं तो आपकी प्रोडक्ट में दम है, आपकी सर्विस के अंदर दम है, लेकिन सिर्फ 20 लोग ही दूसरे लोगों को बताते हैं, उसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, या तो आपकी प्रोडक्ट अच्छी है लेकिन आपकी सर्विस अच्छी नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको रिव्यू करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए, और उसी रेशियो को आपको सबसे पहले काउंट करना चाहिए। वो रेशियो जितना ज़्यादा आपका बढ़ेगा उतना ही आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस या आपका बिजनेस है उतना ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो मार्केटिंग फनल का इन 5 स्टेप को आप अच्छी तरह से फॉलो कर लेते हो और इसी तरह से आप भी अपने बिजनेस के अंदर मार्केटिंग करते हो तो आप भी अपने बिजनेस को एक बड़े लेवल तक पहुंचा सकते हो। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको बिजनेस के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते हैं, अलग अलग बिजनेस की केस स्टडी लाता रहता हूँ, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ऐसे नए बिजनेस लर्निंग के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।